चलो आज मैं आप लोगों को एक गांव की कहानी सुनाता हूँ जो आपके रोंगटे खड़े करके रख देंगे। इस 2D वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ जो कि एक छोटे से मासूम लड़के के साथ हुआ था। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, इसलिए जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके रख लो। ये कहानी एक छोटी सी गाँव की है जहाँ पे एक भोला नाम का लड़का रहता था और वो लड़का सच में मासूम और भोला था। वो अपने दादाजी के साथ काफ़ी हिल मिल के रहता था। सुबह को वो अपने दादाजी के साथ टहलता, शाम को अपने पिता के साथ घूमने जाता। पूरे गांव में भोला का नाम चल रहा था, इसलिए कुछ लोग ऐसे भी थे जो भोला से काफ़ी जलते थे। अरे ये लड़का है ना भोला, आजकल कुछ ज़्यादा ही भोला बन रहा है, इसको तो ठिकाना लगाना पड़ेगा, पहले तो घर चलते। एक बार भोला अकेले ही घूमने के लिए निकल पड़ता है और तभी सामने से एक रवि नाम का लड़का आता है। भोला को अपने पास में बुलाकर उसे सब्जी लाने के लिए झोला देता है। रवि भोला से कहता है, भोला तुम तो एक अच्छे लड़के हो और तुम हर किसी के काम कर देते हो, जरा सा मेरा सब्जी ला दो बाजार से, मुझे पता है तुम मना नहीं करोगे। और फिर भोला भी रवि से कुछ कहता है। वो कहता है, अरे भैया मैं ला दूंगा, आप फिकर मत करो, वैसे भी मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं फोकट में घूम रहा था, लाओ वो झोरा मुझे दे दो, मैं पास के मार्केट से सब्जी ला देता हूँ और आप बेफिक्र घर जाओ। रवि वो झोला भोले के हाथ में दे देता है और फिर रवि भोला से कहता है, 1 किलो गोभी, 1 किलो बीन्स और 1 किलो टमाटर ले लेना, और हाँ ये सारी चीज़ें भूलना नहीं। और फिर रवि वहाँ से जाने लग जाता है। भोला मार्केट पहुँच जाता है, मार्केट पहुँच कर वो सारे सब्जी ले लेता है। दूसरी ओर भोला से जलने वाले लोग भोला को फंसाने का प्लान बना रहे थे। बीच वाला बोलता है, क्यों ना हम इसे किसी के मर्डर केस में फंसा दे, फिर इसका पूरा भोलापंथी निकल जाएगा, देखो तो गांव में बस इसका ही नाम चलता रहता है। वो अपने दोस्तों से राय लेता है। फिर उसका एक दोस्त बोलता है, अरे लेकिन हम इसे किसके मर्डर केस में फंसाए, यहाँ तो किसी का मर्डर भी नहीं हुआ, क्या हम किसी को मारने वाले हैं, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग भी फंस सकते हैं, हम लोगों को भी जेल जाना पड़ जाएगा। लेकिन यार हम मारेंगे किसको। एक बार रवि इन लोगों के पास से होके गुजरता है और ये लोग रवि को गौर से देखने लग जाते हैं। ये लोग रवि को ही मारने का प्लान बना रहे थे और फिर उसमें से एक बोलता है, आज हम इसी लड़के को मारेंगे और इसी के मर्डर केस में भोला को फंसाएंगे, भोला इस लड़के का सब्जी लाने गया, जब तक वो आएगा तब तक हम इसे मार चुके होंगे, भोला इसके ही घर पे आएगा और वहीं पे हम उसको फंसा देंगे, चलो हम इसका पीछा करते हैं और इसके घर तक चलते हैं। इतना बोलकर वे लोग रवि का पीछा करने लग जाते हैं। रवि उन लोगों को देखकर कहता है, अरे आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तीनों में से एक बोलता है, कहता है, अरे बेटा हम लोग तो बस तुम्हें मारने आए हैं। ऐसा सुनकर रवि काफ़ी डर जाता है। वो दोनों इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। रवि कहता है, देखो मुझे छूना भी मत, अगर मुझे कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। और वो इंसान इसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। और फिर कुछ समय बाद वहाँ पे भोला आता है। भोला जैसे ही आगे बढ़ता है उसको रवि का लाश दिख जाता है और वो वहीं पर झोरा फेंक कर रोने लग जाता है। और तभी तीनों में से बीच वाला बोलता है, अरे तुमने तो इसको मार दिया, अब तुम्हें कौन बचाएगा, तुम्हें तो जेल जाना पड़ेगा, बेचारा सीधा साधा लड़का था, तुमने उसे इतने बेरहमी से मार डाला। भोला तो कुछ सुन ही नहीं रहा था, वो तो बस फूट फूट कर रो रहा था। तीनों में से एक कहता है, अरे अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, बहुत भोला बन रहा था ना। वो आदमी पुलिस को फोन करता है और कहता है, सर यहाँ पे एक बच्चे ने 18 साल के लड़के को मार दिया। पुलिस कहती है, रुको मैं आ रहा हूँ, उसको पकड़ के रखना, भागने मत देना उस बच्चे को। भोला उन लोगों को मारने के लिए छुरा उठा लेता है। कुछ समय बाद पुलिस भोला को पकड़ कर ले जाती है और उसे ले जा करके जेल में बंद कर देती है। और कुछ सालों बाद जब भोला जेल से छुटकर आता है फिर उन तीनों लोगों के घर पे जाता है। उसके बाद ये जानेंगे अगले वीडियो में।